जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आइए एक काम करते हैं कि 29 जनवरी को जो मैथ का पेपर हुआ था उसके कुछ न्यूमेरिकल जो विजिबल है, मतलब जो आंसर हमें दिखाई दे रहा है, उसको आइए हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि पहला प्रश्न आप देखेंगे 29 जनवरी सीटेट पेपर वन की बात करें, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था कि दी गई तालिका में एक जंगल में हर वर्ष खरगोशों की संख्या में होने वाली बढ़ोतरी दर्शाया गया है। ठीक है, अब सवाल आपसे कह रहा है कि हर वर्ष बाद खरगोशों की संख्या क्या हो रही है, क्या दुगुनी हो रही है 8 से। तो आइए देखते हैं ना क्या हो रही है। देखिए, शुरू में 10 खरगोश थे, एक साल में कितने हो गए, 18 हो गए। अच्छा, मतलब 10 थे और 18 हो गए, मतलब दोगुना तो नहीं हुआ, दोगुना होता तो 20 हो जाता। ठीक है, तो दोगुने से कम है। चलिए, 18 के बाद से 34, अगर 18 का दोगुना होता तो 18 दुना 36, लेकिन दोगुने से कम है मतलब 32 है। चलिए, 32 के बाद कितना हो गया, 58 मतलब 58 हो गया है। तो 32 का दोगुना अगर हम करते हैं तो 64 64 होता, लेकिन फिर भी यहाँ से दोगुने से कम है। नेक्स्ट अगर हम देखें 58 का दोगुना 116 और 108 है, मतलब दोगुने से कम है। यही तो हो रहा है ना, दोगुने से कम हो रहा है। कितना आसान सा सवाल है। तो पहला विकल्प है पिछले वर्ष की संख्या के दोगुने से कुछ अधिक। नहीं बाबू, दोगुने से अधिक नहीं है, दोगुने से कम है। क्या बता रहे हो, पिछले वर्ष की संख्या से 8 अधिक, ये गलत बात है। यहाँ 58 है और यहाँ 108 हो गई, तो 8 कहाँ, ये तो बहुत ज़्यादा अधिक है। ये भी जवाब गलत होगा। पिछले वर्ष की संख्या की दोगुनी थी, नहीं नहीं दोगुनी नहीं थी भैया, 10 का दोगुना 18 नहीं होता है। तो आपका लास्ट विकल्प है पिछले वर्ष की खरगोशों की संख्या के दोगुने से कुछ कम थी, यानी कि आपका इसका विकल्प नंबर कौन सा सही है, विकल्प नंबर 4 सही है, विकल्प नंबर 4। बहुत अच्छा, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। इससे पहले इसको कर लेते हैं, ये थोड़ा सा आसान है। ये क्या सवाल पूछा था कि एक सही घड़ी की मिनट की सुई 45 मिनट में निम्नलिखित में से कितने अंश का कोण अनुरेखित करती है। अनुरेखित करती है मतलब मान लीजिए ये घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी की ये मिनट की सुई है, जब ये 45 मिनट तक आ जाएगी तो कितने कोण बनाएगी, मतलब कितने कोण चल कर आएगी। ठीक है, तो ये घड़ी जो है अगर चलते हुए यहाँ आ जाए तो 90 डिग्री कोण बना ली, चलते हुए यहाँ आ जाए तो 180 कोण बना ली, और 45 मतलब यही होता है ना भैया, 45 मिनट, तो 45 मिनट आ गई तो 90 प्लस 90 प्लस 90 मतलब 270 अंश। सिंपल सी बात है कि ये टोटल एंगल कितना इन्होंने बनाया, तो 270 बनाया। तो कितनी 45 मिनट में, 45 नहीं, 90 नहीं, 180 नहीं, विकल्प नंबर 4 सही है, यानी कि 270। ठीक है, चलिए ये प्रश्न देख लेते हैं। ये तो प्रश्न बहुत ही आसान है बच्चों। ये पूछा था कि एक बहुभुज को सम बहुभुज कहा जाता है, अ पॉलीगॉन इज कॉल्ड अ रेगुलर, कोई भी बहुभुज है, मतलब बहुभुज एक ऐसी भुजा जिसकी अधिक भुजाएं, मतलब एक ऐसी आकृति जिसकी कई भुजाएं हों। अब वो रेगुलर या सम बहुभुज कब कहलाएगा, जब सभी भुजाएं बराबर हों। जैसे मान लीजिए ये बहुभुज है, इसकी सभी भुजाएं बराबर है, तो क्या ये रेगुलर होगा, बिल्कुल नहीं। अगला है सभी कोण बराबर, केवल कोण भी बराबर हो तो नहीं होते हैं। आम जैसे कोण की बात करूं तो ये भी 90 है, ठीक है, मान लीजिए ये भी 90 है, ये सब 90 है, तो क्या ये सम बहुभुजों का, बिल्कुल नहीं। इसका सही विकल्प होगा जब सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं, तब जाके वह रेगुलर कहलाता है, यानी कि सम बहुभुज कहलाता है। तो इसका विकल्प नंबर 4 सही होगा। चलिए बच्चों, ये वाला सवाल जो हमने छोड़ा था, आइए इसको भी कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, मज़ा आया ये देख के। चलिए, बहुत ट्रिकी भी प्रश्न है बच्चों, तैयार रहिएगा। कह रहा है अ बॉटल इज फिल्ड 1/3। ओ माई गॉड, ये हमारा बॉटल है मान लीजिए, ठीक है, बॉटल हमने थोड़ा छोटा बना दिया, आइए थोड़ा और बड़ा बना देते हैं। तो ये हमारा मान लीजिए बॉटल है, ठीक है बच्चों, ये हमारा बॉटल है, ओके। कह रहा है कि 1/3 दूध से भरा हुआ है, चलिए मान लेते हैं 1/3 हमारा दूध से भरा हुआ है, और अनदर पैकेट ऑफ 50 ml मिल्क इज नीडेड टू फिल दिस बॉटल कम्प्लीटली। अब 1/3 भरा है और 500 ml और मिलाने के बाद ये बॉटल पूरा भर जाता है, तो व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द बॉटल, यानी कि दक्षता कहते हैं ना, दक्षता कितनी होगी इस बॉटल की। यहाँ पे समझिए इस बात को, कह रहा है 1/3 भरा है, तो अगर कोई बॉटल 1/3 भरा है तो खाली कितना होगा। मान लेते हैं कि यह इसकी टोटल जो वॉल्यूम थी, जो दक्षता थी, वो कैपेसिटी थी, वो कितनी थी, एक्स ml थी या एक्स लीटर थी। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे ml में दिया है ना, तो हम ml मान लेते हैं, मान लेते हैं एक्स ml थी, ठीक है। अब एक्स ml की बॉटल अगर 1/3 भरी हो तो खाली कितनी होगी, तो अगर मान लीजिए x में से अगर 1/3 निकाल लेंगे तो x का 1/3 कितना होगा, x/3। अगर इसको माइनस कर देंगे तो इतनी खाली थी, इसको माइनस कर देंगे तो
तीन इसका एलसीएम हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x - x, तो इसका मतलब हो जाएगा 2x/3, यानी कि 2x/3 खाली थी। ओके, तो 2x/3 आपको कितना दिया है, 2x/3 खाली थी और यह दिया है 500 के बराबर, तभी तो 500 मिला दिया तो भर गया 500 ml के बराबर। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे होगा 2x = हो जाएगा 1500 ml, ठीक है, 2x = हो जाएगा 1500 ml हो जाएगा बच्चों, तो x = कितना हो जाएगा 750 ml। समझ में आया नहीं आया, एक बार फिर समझ लीजिए, ये मान लीजिए हमारा बॉटल है बच्चों, ठीक है, बॉटल बहुत गंदा बन गया, चलिए कोई बात नहीं, मान लीजिए हमारा बॉटल है, बॉटल कह रहा है 1/3 भरा है, ठीक है, तो खाली कितना, और 500 मिलाने के बाद पूरा भर जाता है, यानी कि 500 ही तो खाली है बच्चों, तो हम मान लेते हैं इसकी टोटल x है, ठीक है, तो 1/3 भरा है, मतलब x/3 ये ऑलरेडी भरा है, ठीक है, तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो खाली की संख्या निकल जाएगी जो कि 500 ml है, माइनस करके आप x की वैल्यू निकाल लीजिए 500, आपका सवाल यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इस प्रकार का सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था। अगला सवाल क्या था बच्चों, अगला सवाल ये था, ये तो बड़ा ही बच्चों वाला सवाल है, ये तो कोई कर लेगा, लिखा है कि 12 मिलियंस को इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे लिखते हैं, तो पहले 12 मिलियंस को देख लेते हैं कैसे लिखते हैं, तो यूनिट, टेंस, हंड्रेड, इसमें तीन तीन के बाद कमा देते हैं, ठीक है, 1000, 10000, 100, उसके बाद मिलियन, तो 12 मिलियन है, 12 मिलियन को इंडियन सिस्टम, इंडियन में क्या करते हैं, मतलब 12 के बाद से 6 जीरो है ना, तो 12 के बाद से 6 जीरो, ठीक है, 6 जीरो, दो चार चार, इंडियन में क्या करते हैं, पहले तीन अंक के बाद लगाते हैं, फिर दो अंक के बाद, इकाई दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10000, 10,00,000, 10,00,000, करोड़, यानी कि 1,20,00,000, सॉरी 1,20,00,000 रुपये होंगे, मतलब सॉरी नॉट रुपये, 1,20,00,000 वैल्यू होगी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1,20,00,000 हो जाएगा सही आंसर। चलिए, हमने इतने प्रश्नों कर लिया, ये प्रश्न तो बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, यहाँ देखिए क्या प्रश्न कह रहा है, कह रहा है कि फर्श पर कुछ लाल और हरे बिंदु बनाए गए हैं, तो आइए हम लाल और हरा बिंदु बना लेते हैं, हमने यहाँ पे एक लाल बिंदु बना लिया, ठीक है, चलिए लाल बिंदु बना लिया और एक बना लिया हरा बिंदु, ठीक है, हरा बिंदु बना लिया। चलिए, कह रहा है कि कुछ लाल और हरे बिंदु बनाए गए, किधर गया, हाँ ये रहा, लाल बिंदु हरे बिंदु से बड़े हैं, अच्छा लाल बिंदु बड़े हैं, चलो कोई बात नहीं, श्वेता, ओके नाइस नेम, श्वेता और कांता फर्श पर घेरे फेंकती हैं, ओके, घेरे के अंदर एक लाल बिंदु आने पर 5 अंक, अच्छा लाल बिंदु आने पर कितने बच्चों, लाल आने पे, मतलब लाल आने पे यहाँ पे 5 अंक मिलता है, सॉरी लाल आने पे यहाँ पे कितना, 5 अंक, हम लाल को लाल से लिख लेते हैं, लाल अंक आने पे बच्चों 5 अंक मिलता है, ओके, और हरा बिंदु आने पर 1 अंक मिलता है, अच्छी बात है, तो हरा अगर बिंदु आएगा तो हरा बिंदु आने पे 1 अंक मिलता है, ठीक है, लाल पर 5 और हरे पे 1 अंक मिलता है, अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात, जिसके पास अधिक होगा वो विजेता होगा, श्वेता के घेरे में 5 लाल और 7 बिंदु आते हैं, मतलब श्वेता के घेरे में कितने आ गए, श्वेता के घेरे में आ गए 5 लाल आ गए, मतलब 5×5 अंक लाल के मिल गए, और 7 हरे, तो 7 हरे मतलब हरे का 1 अंक है, प्लस 7, ओके, तो इनको टोटल कितने मिल गए, श्वेता को मिल गए 5×5 = 25 प्लस 7 यानी कि 32, श्वेता जी को मिल गए 32 अंक, अच्छी बात है। अब आइए, श्वेता को 32 अंक मिल गए, अब हम देखते हैं कांता के पास 4 लाल का मतलब कांता की अगर हम बात करें तो 4 लाल, लाल पे 5 अंक, 5×20 और 12 हरे, तो 20 + 12 कितना हो गया बच्चों, इसके भी 32, तो दोनों के 32 समान आए हैं, विजेता पहचानिए, तो विजेता कहाँ से पहचाने, दोनों के 32 समान आए हैं, तो कांता विजेता नहीं होगी, श्वेता भी विजेता नहीं होगी, विजेता घोषित करने के लिए पर्याप्त जानकारी है। यहाँ देखिए लिखा है खेल ड्रॉ हो गया क्योंकि दोनों के समान अंक प्राप्त हैं, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, खेल ड्रॉ हो गया, दोनों के प्राप्त अंक समान है। चलिए बहुत अच्छा बच्चों, एक छोटी सी समस्या ये है कि बाकी के सारे क्वेश्चन यहाँ पे ओपन नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैं आगे के प्रश्नों को नहीं हल कर पा रहा हूँ, जैसे ही प्रश्न यहाँ पे दिखेंगे, जैसे ये वाला हमने करा दिया, बाकी के जो भी प्रश्न आपको दिखेंगे वो हम कराएंगे, बाकी ये वाले प्रश्न दिख नहीं रहे हैं, तो इस वीडियो को हमें यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। आपका कौन सा सेट था, बाकी जो बच्चे टेलीग्राम से जुड़े हैं आपके कौन सेट, आप अगर मैथ्स के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं तो मुझे भेजिए ताकि मैं आसानी से उसको सॉल्व करूँ, और मज़ा आएगा, एक प्रैक्टिस होती रहेगी।
तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे बच्चों। जैसे ही ये सारे क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको फिर से ये वाले ओपन जैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये कुछ सर्वर बिजी या कुछ कारण ये अभी ओपन नहीं हो पा रहे। ओके बच्चों, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी, मज़ा आया होगा। ऐसे ही हम और भी प्रश्नों को हल करेंगे। जुड़े रहिए चैनल से, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। जय हिंद, जय भारत साथियों।